إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم أسلم जर्रार का फरजंद है जर्रार है अब्बास जर्रार का फरजंद है जर्रार है अब्बास अरमाने दिले हैदर करार है अब्बास अरमाने दिले हैदर करार है अब्बास शब्बीर है अब्बास के रोजे के निगेबा शब्बीर है अब्बास के रोजे के निगेबा शब्बीर के रोजे का निगेदार है अब्बास शब्बीर के रोजे का निगेदार है अब्बास रुक रोजे सरवर का अदू क्यों नहीं करते रुक रोजे सरवर का अदू क्यों नहीं करते इस वक्त में खंजर तलवार है अब्बास इस वक्त में खंजर तलवार है अब्बास ये तय है उन्हें रोके है अब्बास की है बद ये तय है उन्हें रोके है अब्बास की है बद खैमे किए दो हाथों की दीवार है अब्बास खैमे किए दो हाथों की दीवार है अब्बास बिन हाथ के भर देता है जो दामन साहिल बिन हाथ के भर देता है जो दामन साहिल दुनिया में फकत ऐसा मददगार है अब्बास दुनिया में फकत ऐसा मददगार है अब्बास तेरे खदे शमशीर है पैगाम अजल का तेरे खदे शमशीर है पैगाम अजल का मरने का किसे शौक किसे प्यार है अब्बास मरने का किसे शौक किसे प्यार है अब्बास रुक रुक के हवा दश्त में लेती है बलाए रुक रुक के हवा दश्त में लेती है बलाए कितने तेरे रहवार की रफ्तार है अब्बास कितने तेरे रहवार की रफ्तार है अब्बास पानी पे खड़ा हो के भी पानी नहीं पीता पानी पे खड़ा हो के भी पानी नहीं पीता रहवार तेरा कितना वफादार है अब्बास रहवार तेरा कितना वफादार है अब्बास एक चश्मे जदन में हुए दो तेरे मुकाबिल एक चश्मे जदन में हुए दो तेरे मुकाबिल टूटे हुए खंजर की अजबदार है अब्बास टूटे हुए खंजर की अजबदार है अब्बास पानी पे वफा ओ का महल जिसने बनाया पानी पे वफा ओ का महल जिसने बनाए बनाया नस्ले अबू तालिब का वफनकार है अब्बास नस्ले अबू तालिब का वफनकार है अब्बास उन फूलों पे नाज है उन फूलों पे नाज है गुलिस्ता के हरे फूल जिन फूलों का परचम पे तेरे हार है अब्बास जिन फूलों का परचम पे तेरे हार है अब्बास मैं एक बार बाहर तशरीफ़ फरमा सभी मोमिनीन से गुजारिश गुजार हूँ कि वो फर्श आज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ मजलिस का आगाज़ हो चुका है एक सलवात पढ़े मोहम्मद एक सलाम के चंद शेर मुलाहिज़ा फरमाएँ असहरी के अय्याम हैं अहले बैत इस्मत तहारत के जनाब सकीना के कुछ बैन हैं उसी के कुछ शेर मुलाहिज़ा फरमाएँ सदा सकीना किया
बहुत अंधेरा गए, सदा सकीना किया बहुत अंधेरा है, घटा सितम की है छाई बहुत अंधेरा है। ओ मैं कैदे शाम में मर जाऊंगी मेरे बाबा, मैं कैदे शाम में मर जाऊंगी मेरे बाबा, है दुनिया पराई बहुत अंधेरा है। और देखिए एक बेटी है जो अपने बाप से एक जिंदान के अंधेरे में बयान कर रही है, चहेती बेटी का बाबा जरा ख्याल करो, चहेती बेटी का बाबा जरा ख्याल करो, के सुन लो मेरी दुहाई बहुत अंधेरा है, सदा सकी ना किया आई बहुत अंधेरा है। और जिंदान की कैफियत मुलाहिज़ा फरमाए, ये कैद छत न दीवारे, ये कैद खाना भी कैसा ना छत न दीवारे, असीर है बहुत अंधेरा है। और देखिए चार बरस की बच्ची किस तरीके से बयान कर रही है, खुदा से कहिए मदद कर दे मेरी ये से कह मदद कर दे मेरी ये बाबा, हुई है दुनिया पराई बहुत अंधे शेर भी देखिएगा, हर एक लम्हा अंधेरे में जब गुजरता है, हर एक लम्हा अंधेरे में अब गुजरता है।
कैसे भूलूंगी करबो भला करो मंजर लूटी जहां पे कमाई बहुत अंधे सुना है ना आपने जनाब सकीना को अपने बाप के सीने में नींद आती थी। शेर सुनिएगा। नहीं है आपका सीना तो नींद क्यों आए, नहीं है आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। नसीब लाया है कैदे सितम में क्यों मुझको, नसीब लाया है कैदे सितम में क्यों मुझको, जहाँ है लूटी जहाँ पे कमाई बहुत अंधेरा है, सदा सकीना किया बहुत अंधेरा है। हज़रात गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इख़लास की तलावत फरमाकर मरहुमा ज़ैबुन्निसा बिन्त सैयद हसन साहब, हसन जाफ़र इबन शाकिर हुसैन साहब, अकबर मेहदी इबन अहमद असगर और अज़ीज़ हसन इबन अयूब हुसैन साहब के रुख को सर। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واوتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي
अब तही इत्तेहामी असलहू असीलुन व फरहू तवील व कुनबहू कहीलुन व खुल्कहू अजीम अल्मुअलिनिल हक बिलहक बिलकासिम मुहम्मद وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنت الله على آدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات حضرات گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا सबसे पहले मैं अपनी तरफ़ से और आप तमाम हजरात की तरफ़ से बारगाह इमाम ज़मान में उनके जद्द अमजद मौला सरकार सैयदुश्शहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मुनाक़िद इस मजलिस अरबईन के हवाले से पुरसा और तसलियत पेश करता हूँ। सानियन अपनी तरफ़ से आप तमाम हजरात की खिदमत में मौला के अरबईन की मुनासिबत से पुरसा और तसलियत पेश करता हूँ। मिलजुल के सलावात भेजने पर मोहम्मद वाले क़ुरान करीम से चंद कलमात और आयात जिनकी तलावत का शरफ़ हासिल किया है। आप हज़रात इन आयात को मुतअद्दिद मरतबा समात फरमाते रहते हैं, ख़ास तौर पर मसाइब में जब सरकार सैयदुश्शहदा अलैहिस्सलाम के जिहाद का इख्तिताम है तो निदाए ग़ैबी आती है और वह कलमात पेश किए जाते हैं जो सूरह सलावात भेजने पर मोहम्मद वाले। और ये वो कलमात हैं कि जो सूरह फजर में बिल्कुल आखिर में खुदावंद आलम इनको नाजिल फरमाता है। तर्जुमा आपके जहन में महफूज है, सिर्फ रस्म और रिवाजन तर्जुमा करूँ तो आवाज़ परवरदिगार है, ऐ नफ्स मुतमईना पलट आ अपने परवरदिगार की तरफ इस आलम में कि तू उससे राज़ी हो चुका है और वह तुझसे राज़ी हो गया है। फदखुली फ़ी इबादी और जब यह रज़ायत हासिल हो गई तो फिर मेरे ख़ास बंदों में शामिल हो जा। वदखुली जन्नती और ये जन्नत तेरे हवाले है, अपने दाखिले को इस जन्नत में यकीनी बना ले। सूरह फजर जो कुरान करीम का एक सूरा है जिसका आगाज़ होता है वल फजर वलयालिन आशर, सुबह की कसम और उन पाकीज़ा दस रातों की कसम, आखिर के ये कलमात हैं जो आपकी खिदमत में तलावत और क़िरात किए गए हैं कि जिसमें खुदावंद आलम नफ्स मुतमईना को अपनी तरफ पलटने का हुक्म भी दे रहा है और फरमान भी सुना रहा है। कुरान करीम में तकरीबन 114 सूरों में हर सूरे को खुदावंद आलम ने एक नाम दिया है और उसी नाम से हम उस सूरे को पहचानते हैं, मगर इन 114 सूरों में बहुत कम ऐसे सूरे हैं कि जिनको खुदावंद आलम ने अपने नबी अकरम के ज़रिए या अइम्मा उज़्ज़ाम के ज़रिए से कुछ सूरों को नाम के साथ लक़ब भी अता किया है। और वह सूरे कि जिनका नाम है वो आप हज़ारों मरतबा सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कुछ ऐसे सूरे हैं जिन्हें अल्लाह ने टाइटल दिया है और लक़ब दिया है। मिसाल के तौर पर सूरह हम्द का नाम सूरह हम्द है, इसका टाइटल है फातिहतुल किताब, लक़ब है इसका फातिहा। सूरह कुल हुवल्लाह नाम इसका सूरह तौहीद है, लक़ब है इसका सूरह इखलास। उलमा तशरीफ़ फरमाए इंशाल्लाह तायीद करेंगे। सूरह यासीन नाम सूरह यासीन है और लक़ब है क़ल्ब क़ुरआन। सूरह रहमान नाम इसका सूरह रहमान है, लक़ब है इसका आरूसे क़ुरान। यानि क़ुरान को अगर एक मजमूआ जाना और माना जाए एक समाज की हैसियत से तो उस माशरे में जो हैसियत शादी वाले रोज़
दूल्हा को हासिल होती है वही हैसियत सूरह रहमान को हासिल। इसके सबब क्या हैं, इसके वजूहात क्या हैं, वो अपनी जगह महफूज हैं। लिहाजा ये सूरह फजर जिसकी आयात को आपकी खिदमत में तलावत किया गया, नाम इस सूरह का सूरह फजर है, लकब है सूरह इमाम हुसैन। खुदावंद आलम सलाम। इस सूरह का लकब है सूरह इमाम हुसैन। क्यों है इसका लकब? जब आप सूरह की आयात को पढ़ते हैं और इसके खसूसियात को जानने और समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सी ऐसी खसूसियात के जो इस सूरह के अंदर जिक्र हुई हैं वो सरकार सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर पाई जाती हैं। आगाज़ होता है कसम के ज़रिए। बहुत कम ऐसे सूरे हैं कुरान करीम में जिनका आगाज़ कसम से होता है। खुदा बंदे आलम कसम खा रहा है। इस सूरे में कसम का आता है सुबह की और 10 पाकीज़ा रातों की। तो सबसे पहला सवाल ये है, ये कौन सी सुबह है कि जिसकी कसम खुदा बंदे आलम खा रहा हो, और वो कौन सी पाकीज़ा 10 रातें हैं कि जो लायक़ कसम करार पाती हैं निगाह कुदरत में। जब मुफसरीन से तलाशा गया और पूछा गया कि ये कौन सी पाकीज़ा रातें हैं जिनको खुदा बंदे आलम कसम के साथ ताबीर कर रहा है और लोगों के सामने पेश कर रहा है, मुफसरीन ने तफसीर के ज़ैल में ये लिखा कि ये वो 10 पाकीज़ा रातें हैं जो हज़रत मूसा के लिए इजाफ़ा की गई थी कोहे तूर के ऊपर। दास्तान क्या है, वाकया क्या है, बुज़ुर्ग बेहतर समझते हैं। सिर्फ जिक्र करता चलूँ कि जब हज़रत मूसा की तरफ खुदा का फरमान आया कि आपको अब आईन को और शरीयत को नाफिज करना है तो कोहे तूर पर आना होगा 30 रोज़ के लिए। एक महीने के लिए खुदा बंदे आलम ने मूसा को बुलाया कि आप कोहे तूर पर आइए ताकि चंद बातें आप तक पहुँचाई जा सकें। अब चूँकि एक नबी इस दुनिया से जा रहा है, बज़ाहिर उम्मत के सामने से हट रहा है, तो अपना किसी को ज़िम्मेदार बनाना है, किसी को वसी बनाना है, किसी को जानशीन बनाना है। हाथों को जोड़ के कहता है कि मेरे अल्लाह, जब मैं उम्मत के दरमियान नहीं रहूँगा, इन 30 दिनों में मैं कोहे तूर पर रहूँगा, तो मेरी जगह पर मेरी ज़िम्मेदारी संभालने वाला कोई तो होगा। आवाज़ कुदरत आई, बताओ तुम क्या चाहते हो? क्या मेरे अल्लाह, मैं चाहता यह हूँ कि तू मेरे चचाजाद यानी हारून को मेरा वसी, मेरा जानशीन और मेरा खलीफा बना दे ताकि मैं चला जाऊँ तो दीन के मामलात मुअत्तल ना होने पाएँ। किसी के जहन में कोई भी सवाल पैदा हो वो उनकी तरफ मुराजिया करे और सही शरीयत और सही दीन उस तक पहुँच जाए। खुदा बंदे आलम ने हज़रत मूसा की इस दुआ को कबूल किया, उनके भाई को उनका जानशीन, उनका वज़ीर, उनका वसी और ख़लीफ़ा मुतय्यन किया। हज़रत मूसा कोहे तूर की जानिब बढ़ने लगे। 30 रोज़ कामिल हो गए। जब 30 रोज़ यानी माह ज़िलक़ादा पूरा कामिल हो चुका, आवाज़ कुदरत आई, मूसा हम ये चाहते हैं कि जो मुलाकात हमारी और तुम्हारी 30 दिन पे मुनहसर थी, इनमें 10 दिन और इजाफा कर दिए जाएँ, 10 दिन और बढ़ा दिए जाएँ ताकि कुछ और बातें तुम्हारे हवाले की जा सकें। और अब कुरान की आयत आती है कि जो वादा था हज़रत मूसा से 30 रोज़ का, उसमें 10 रोज़ का इजाफा किया गया। ये वही 10 रोज़ हैं जो माह ज़िलहिज्जा की पहली से लेकर 10वें ज़िलहिज्जा के दिन और रातों में शुमार होते हैं। ये वो 10 रातें हैं कि जिसकी खुदावंद आलम कसम खा रहा है इस सूरे में, वल फज्र वलयालिन आशर सुबह की कसम और उन 10 पाकीज़ा रातों की कसम। सवाल ये पैदा होता है कि इन 10 रातों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुदा बंदे आलम की निगाह में ये इतनी बाबरकत करार पा रही हैं कि अल्लाह इनकी कसम खा रहा है। अलबत्ता हम जो इसका मुशाहिदा करते हैं और इसका पस मंज़र देखते हैं तो बज़ाहिर ये वो 10 रातें हमें नज़र आती हैं कि जहाँ खुदा का दीन मुनहदिम होता नज़र आ रहा है। काश मुतवज्जे हो आप। आपको मालूम है कि इन 10 रातें जो इजाफा की गई हैं इसका नुकसान क्या हुआ? पहला नुकसान इसका यह हुआ कि जब हज़रत मूसा 31वें दिन पलटकर कौम में वापस नहीं आए तो एक शख्स जिसका नाम सामरी है, आपने हज़ारों मरतबा ये दास्तान सुनी होगी, मुझे बस एक मकसद तक आपको लेके जाना है, वो सामरी के जो ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह और मूसा की कलीमी की शहादत देता था कि वो कलीमुल्लाह है, अल्लाह से बातें करते हैं, मैं शहादत देता हूँ अल्लाह एक है, मगर जब 31वें दिन हज़रत मूसा कोहे तूर से वापस नहीं आए तो इसने उम्मत को जमा किया और जमा करने के बाद कहा कि देखो मैं न कहता था कि खुदा भी झूठा है और नबी भी झूठा है। कहा तुम क्या कहते थे? कहा हम हमेशा कहते आए कि ये जो मूसा का ना दिखने वाला खुदा है ये मौजूद ही नहीं है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। ये जो मूसा अपने आप को नबी और रसूल बताते हैं, साहिब शरीयत बताते हैं, ये सब कोरी अफवाह थी, बातें थी। अगर वो सच्चे नबी होते और कोई खुदा होता तो आज 31वां दिन है वादे के तहत हजरत मूसा को हम तक पलट कर आना चाहिए था, वो नहीं आए। इस बात पर ये बात दलालत करती है कि मूसा भी माज़ अल्लाह झूठे थे और खुदा भी झूठा था।
उम्मत नादान तो नहीं कहूँगा, बहरहाल बनी इसराइल के हीले मशहूर हैं तो नादान तो हो ही नहीं सकती, हाथों को जोड़ के कहती है अच्छा सामरी अब तुम ही बताओ कि हमें करना क्या चाहिए। कहा करना क्या है, अभी तक तुम मूसा के खुदा की इबादत करते थे, अब मैं तुमको एक खुदा बना कर दूंगा। काश मुतवज्जो हो आप, अब मैं तुम्हारे लिए खुदा बनाऊंगा। कहा साहब कैसे खुदा बनाएंगे, कुरान करीम में पूरी दास्तान आपको मिल जाएगी। कहा मैं गौशाला तैयार करूंगा सोने और चांदी से, और जिसमें खास तौर पर औरतों के जेवरात को जमा किया गया और एक गौशाला बनाया गया। कहा साहब आज से ये तुम्हारा खुदा है, मूसा का खुदा तुम्हें दिखाई नहीं देता था, मैंने तुम्हारे लिए ये पूरा एक गौशाला बना दिया है, ये खुदा है। अच्छा वो कौम जो हजरत मूसा के सामने बहाने से बाज ना आती हो, वो सामरी के सामने अपने बहानों से कैसे बाज आ सकती थी। कहा अच्छा अगर ये खुदा है तो मूसा तो ये कहा करते थे कि उनका खुदा उनसे कलाम करता है, उनसे बातें करता है, तो अगर तूने हमारे लिए इस खुदा को बनाया है तो हम तब जानेंगे कि ये खुदा है जब ये तुझसे बातें करे। अब यहाँ पर सामरी थोड़ा परेशान हुआ। देखिए मोमिन भी परेशान होता है और काफिर भी परेशान होता है। काश मुतवज्जो हो आप, जब मोमिन परेशान होता है तो मुश्किल कुशा वास्ता बनते हैं और खुदा मुश्किल को हल करता है, लेकिन जब काफिर और मुनाफिक मुश्किल में फंसता है तो फिर वो आता है जो सिरात मुस्तकीम पर बैठा हुआ है। इबलीस आने के बाद कहता है सामरी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये चाहते हैं कि गौशाला बातें करे तो ये यकीनन बातें करेगा। अपने आप को गौशाले के अंदर दाखिल करता है, हुलूल करता है, और अब इधर से सामरी सवाल कर रहा है, अंदर से इबलीस जवाब दे रहा है। होता क्या है, इन्हीं 10 दिनों के अंदर वो कौम के जिसके लिए हजरत मूसा ने कितनी मेहनतें की हैं, कितनी मशक्क़तें की हैं, कितनी जहमतें उठाई हैं, खुद मूसा के दुनिया में आने से पहले 10,000 बच्चों को कत्ल होना पड़ा है, एक उम्मत को एक शहर निकाला गया है, वादे और वईद हुए हैं, मन और सलवा आसमान से उतरा है, ये सारी जहमतें एक तरफ, मगर मूसा का ना आना सबब बनता है कि इंकारे तौहीद भी होता है, इंकारे रसालत भी होता है, इंकारे इमामत भी होता है। काश मुतवज्जो हो आप, इंकारे तौहीद इस तरह से कि खुदा के मुकाबले में दूसरा खुदा बनाया गया, इंकार नबूवत इस तरह से कि मूसा के सामने सामरी खुद नबी बनकर आया है कि मूसा का खुदा दिखता नहीं था, मेरा खुदा तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये मेरा खुदा और मैं इसका फरिश्ता हूं। और तीसरी तरफ इमामत का भी इंकार हो रहा है, खिलाफत का भी इंकार हो रहा है, चूंकि हजरत हारून वसी हैं और खलीफा हैं, लिहाजा जब मूसा को नहीं माना जा रहा है तो हारून को कौन मानेगा। यह वो 10 दिन है कि जहां पूरी कौम हजरत मूसा फसाद का शिकार होती है, मुलहिद होती है, काफिर होती है, मुशरिक करार पाती है और अल्लाह के अजाब की मुस्तहक बनती है। तो बज़ाहिर तो ये वो 10 रातें हैं कि जो शायद तारीख में सबसे सियाह अल्फाज में लिखी जानी चाहिए थी कि इन्हीं 10 रातों में तौहीद का इंकार हुआ। काश मुतवज्जो हो, मैं बार बार बात दोहरा रहा हूं आपके सामने, बज़ाहिर तो इन 10 रातों को सियाह अल्फाज में दर्ज करना चाहिए था कि नबुव्वत का इंकार हो रहा है, इमामत का इंकार हो रहा है, तौहीद का इंकार हो रहा है, मेरे अल्लाह तूने इनको पाकीज़ा क्यों करार दिया है, तू इन रातों की कसम क्यों खा रहा है। क्या मैं यही बताना चाहता हूं कि जब तक कौम के सामने, उम्मत के सामने कोई नबी मौजूद हो तब तो ला इलाहा इल्लल्लाह और अपने नबी का कलमा पढ़ना आसान है। यकीनी ईमान का इम्तिहान उस वक्त होता है जब हुज्जत खुदा को पर्दे में भेजा जाए और तब यह देखा जाए कि तौहीद के मानने वाले कितने, रसालत के मानने वाले कितने। खुदा सलामत रखे आप। जब तक मूसा सामने है कौम के, सब ला इलाहा इल्लल्लाह और मूसा कलीमुल्लाह का कलिमा पढ़ रहे हैं, अब इम्तिहान है कि जब हुज्जत खुदा पर्दा गैब में चली जाए और फिर भी ये देखा जाए कि कितने ला इलाहा इल्लल्लाह पे बाकी रहते हैं, कितने नबी की नबुव्वत पे बाकी रहते हैं, कितने इमाम की इमामत को कबूल करते हैं। बस जो कबूल करते हैं उन्हीं के लिए खुदावंद आलम कसम खा रहा है कि ये वो पाकीज़ा रातें हैं जिनमें ईमान को शिर्क से जुदा कर दिया गया है, ये वो 10 रातें हैं जिनमें निफाक को ईमान से जुदा किया गया है। अब अज़ीज़ाने गिरामी, जिस तरह से खुदावंद आलम ने हजरत मूसा को पर्दा गैब में भेजकर उम्मत का इम्तिहान लिया था, और अब पैगंबर इस्लाम की वो मशहूर हदीस कि मेरे बाद मेरी कौम में वो सब कुछ होगा जो बनी इसराइल के साथ हुआ था, ये बहुत मशहूर हदीस है पैगंबर इस्लाम की, और तमाम फ़िरका इस्लामी ने अपनी अपनी किताबों में इस हदीस को दर्ज किया है कि जो जो बनी इसराइल की कौम पर हुआ है और गुजरा
वाला है वो मेरे कौम पे गुजरने वाला है। तो बनी इसराइल के कौम में एक बड़ा सानहा और एक बड़ा वाकया पर्दे गैबत का है कि जहां हुज्जत खुदा को पर्दे में छुपाया जा रहा है, इम्तिहान लिया जा रहा है। लिहाजा अब ये जो 1150 बरस से हुज्जत खुदा हमारे सामने नहीं है, ये वही दस रातें हैं जिनमें इम्तिहान हो रहा है कि जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले कितने हैं और दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले कितने। सलावत भेज दें बर मोहम्मद वाले। खुदा सलामत और 10 रातों की कसम। सवाल पैदा होता है और जवाब भी आ जाता है कि साहब ठीक है वो 10 रातें हैं कि जिनमें अल्लाह कसमें खा रहा पाकीज़ा बनाई, मगर ये फज्र क्या है, ये किस फज्र की कसम खाई जा रही है, ये कौन सी सुबह है? तो आप अज़ीज़ाने किरामी पैगम्बर इस्लाम जब इस दुनिया से जाने लगे, आप पैगम्बर इस्लाम की जब जिंदगी को उठाएंगे, 23 बरस की आपकी वो नबूवत और रसालत की जिंदगी जो आपने मक्के में गुजारी और मदीने में गुजारी, आयात इलाहिया के नुज़ूल का जो टोन है, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ, जो लहजा है वो मक्के और मदीने में जुदा दिखाई देता है। मक्की आप आयात को उठाइए, मौलाना तशरीफ़ फरमाया कुरान से इनका एक मुसलसल काफ़ी तवील अरसे तक एक राबता रहा है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। ये ताईद करेंगे कि जब कुरान करीम में हमें ये तलाशना होता है कि कौन सी आयत मक्की है और कौन सी आयत मदनी है, तो उसके अल्फाज और उसकी बनावट और उसके मफहूम से अंदाज़ा लगाया जाता है कि आयत का पैगाम ये है ये मक्की होगी, आयत का पैगाम इस तरह से आ रहा है ये मदनी आयत होगी। लिहाजा जब इन्हीं आयात में पैगम्बर इस्लाम से मखसूस जो आयात हैं जो सिर्फ पैगंबर के लिए आई हैं, जब हम इनको जुदा करते हैं, मक्के वाली आयात को जुदा और मदीने वाली आयात को जुदा, तो एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। और वो फर्क ये होता है कि जब तक पैगंबर इस्लाम मक्के में हैं, खुदा बंदे आलम जब अपने हबीब से बात करता है तो लहजा बहुत नर्म है। मैं बहुत जिम्मेदारी से अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा हूँ, लहजा बहुत नर्म, मोहब्बत के साथ, राफत के साथ, महबूबियत के साथ, इश्क के साथ, इलाके के साथ ये आयात उतरती हैं। आप देखिए आयात को कि कभी कहा जाता है कि रात में थोड़ा आराम कर लिया करिए, इतनी ज़्यादा नमाजें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो तफसीर में बयान किया जाता है सूरह मुज़म्मिल का जो शान नज़ूल है कि इतनी नमाजें पढ़ते थे, इतनी नमाजें पढ़ते थे, पैरों पर वरम आता था, आवाज़ आती थी कि रात को थोड़ा सा आराम कर लिया करिए। वो मौका कि जब आप लोगों को तबलीग रसालत के लिए जाते हैं, या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पा जाओगे, मगर नबी खुदा रोजाना देख रहे हैं कि कोई नबी के पास नहीं आता, तो आपका दिल जलता रहता था, आप परेशान होते रहते थे। लिहाजा आयत आती है सूरह रात की आयत नंबर 7, पैगंबर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा अपना दिल जलाया ना करें, इन्नमा अंता मुंजिर, आपका काम सिर्फ डराना है। आप इनको बताइए गुनाह करोगे तो आग में जलाए जाओगे, आप इनको बताइए मासियत करोगे तो अजाब इलाही में गिरफ्तार होगे, इन्नमा अंता मुंजिर, का काम डराना है। वलकुल कौमिन हाद, और आप बिल्कुल ना घबराएं, हमने हर कौम के लिए एक हादी और एक रहबर का इंतजाम किया है। यह पैगंबर इस्लाम से कहा जा रहा है मुतअद्दिद मर्तबा कि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक आयत जो हम तमाम मुबल्लिगीन इस्तेमाल करते हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग, पैगंबर इस्लाम ने यह कहा कि मेरा काम है मैं तुमको बस बात पहुंचा दूं, तुम अंजाम देते हो या नहीं अंजाम देते हो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। इंसान अगर नमाज पढ़े या ना पढ़े, कोई डंडा लेकर तो किसी से नमाज नहीं पढ़वा सकता। हाँ, अगर हुकूमत इस्लामी हो और खुदा करे कि वो हुकूमत आए कि जहां वाजिबात के लिए भी सजाएं होने लगे, ताकि उस जबरदस्ती तरीके से हमारे कदमों को जन्नत की तरफ बढ़ा दिया जाए, मगर बज़ाहिर यहां पर कोई इस्लामी हुकूमत नहीं, लिहाजा कोई जबरदस्ती भी नहीं है कि आप नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, आप रोजा रखें या ना रखें, आप हज पे जाएं या ना जाएं। अलबत्त जब यह बात आई है तो मैं कर दूं कि जब भी आप जबान से किसी को नेक अमल की तरफ बुलाते हैं कि साहब नमाज पढ़ा करिए, मस्जिद आया करिए, मजलिस किया करिए, फर्श पे बैठा करिए, तो अक्सर एक जवाब हमारे सामने पेश किया जाता है कि साहब जब खुदा बुलाएगा तब जाएंगे। होता है या नहीं? आप किसी से कहिए कि आपके पास अल्लाह ने मालो मता दे रखा है, आपके पास दौलत है, आप जाइए हज को अंजाम दीजिए, ये आपके ऊपर वाजिब है, तो कहते हैं साहब जब खुदा बुलाएगा तब जाएंगे। ज्यारत का शौक पैदा करना हो तो आप किसी से कहिए कि साहब ज्यारत पे जाइए, इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा लगेगा, दिल आपका महजूज होगा, इमाम की ज्यारत होगी, तो फौरन पलट के जवाब क्या दिया जाता है? जब मौला बुलाएंगे तब जाएंगे। अलबत्ता एक जुमला मैं कहता रहता हूँ कि मौला ने बस एक को बुलाया था जो फकीह ज़मान था, हबीब इब्न मज़ाहिर, उसके बाद मौला ने किसी को नहीं बुलाया।
किसी को खत दे के नहीं बुलाया है, लिहाजा कभी उधर से नहीं आगाज होता है, क्योंकि कुरान करीम इसी सूरह रात में आयत नंबर 11 में खुला हुआ ऐलान करता है। वो कहता है इन्नल्लाहा ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसहिम। खुदाबंदे आलम आप में तगय्युर व तबद्दुल पैदा नहीं करता, वो आपको नहीं बदलता उस वक्त तक कि जब तक आप खुद आगाज ना करें अपने आप के बदलने का। यानी पहला कदम हमें उठाना होता है, चाहे वो नेक कामों की तरफ जाने के लिए हो या बुराई से बचने के लिए, आगाज हमें करना होगा, इब्तिदा हमसे होगी। हाँ, ये और अल्लाह का वादा है कि जब कोई हमारी तरफ एक कदम बढ़कर आता है तो 10 कदम हम बढ़कर उसकी मदद करते हैं। अब ये 10 कदम बढ़ने का मतलब ये भी नहीं है कि खुदा यहाँ बैठा हुआ है और वह 10 कदम बढ़ता है, यानी वह आपकी मंजिलों को, आप एक मंजिल से जाना चाहते हैं, एक रास्ते से जाना चाहते हैं, खुदा 10 रास्तों को खोल दिया करता है। लिहाजा अज़ीज़ाने गिरामी, अब पैगम्बर इस्लाम कि जो रोजाना ये कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अफराद नहीं कहते, पैगंबर इस्लाम परेशान होते हैं, बार बार जिब्रील अमीन आते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये आयात वो हैं जो मक्के में नाजिल हो रही हैं, मगर जब पैगंबर इस्लाम मदीने में आ गए और जंगों का आगाज हुआ, 2 हिजरी पहली जंग हुई, 3 हिजरी, 4 हिजरी, 5वीं और 7वीं हिजरी जंग खैबर तमाम हुई, पैगंबर की जिंदगी के आखिरी अय्याम के ऊपर अगर आप निगाह डालें और उस वक्त ये आप आयात को देखें तो अब अल्लाह का लहजा थोड़ा बदल गया है। काश मुतवज्जे हों आप, काश मुतवज्जे हों। और ये शान मुस्तफ़ा है जिसकी वजह से अल्लाह का लहजा बदल रहा है, ये वो पैगंबर है जिसके लिए अल्लाह कसमें खा के कहता था वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वदअका रब्बुका वमा क़ला वलल आख़िरतु खैरुन लका मिनल ऊला वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा। ये पैगंबर इस्लाम से खुदा बंदे आलम कसमें खा खा के क्या कहता था कि हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा, आपके आखिर को आपके अव्वल से बेहतर कर देगा आपका परवरदिगार, और अन करीब आपको इतना अता कर देगा कि जिसके मिलने के बाद आप उससे राजी हो जाएंगे। यानी ये शान मुस्तफ़ा है, वगरना हर नबी का आप अंदाज़ देखिए तो हर नबी की कोशिश ये होती है कि उसका अल्लाह उससे राज़ी हो जाए, और बात नबियों की नहीं, आम इंसानों की भी बात की जाए तो यही तो मकसद होता है। हमारे हर दीनी अमल का मकसद और महवर क्या है? खुदा राज़ी हो जाए। आप मुसलमानों की बात ना करिए, गैर मुसलमानों को उठाइए, देखिए किसी आप मंदिर के पुजारी से पूछिए कि ये घंटे तुम क्यों बजाते हो सुबह शाम, लोगों को परेशानी होती, वो कहेगा साहब बजाते हैं इसलिए ताकि मेरा भगवान मुझसे राज़ी हो जाए। किसी पादरी से पूछिए कि साहब ये जिंगल बेल जो बजाते हो ये क्यों बजाते हो, कहेगा साहब इसलिए ताकि मेरा गॉड मुझसे राज़ी हो जाए। मस्जिद के मौज़िन से पूछिए ये 3 वक्त और 5 वक्त जाते हो गुलदस्ते अजान पर आवाज़ बुलंद करते हो, लोगों को तकलीफ होती है और अब तुम्हारे खिलाफ कानून भी बनने लगे हैं, ये क्यों अजाने दे रहे हो? तो ये जवाब देगा कि साहब बनते हैं तो बनते रहे, मैं तो अपने इस अमल से अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहता हूँ। काश मुतवज्जे हो आप। ये मजालिस जो बर्पा होती हैं, आप साहिब मजलिस से पूछिए कि साहब ये मजलिस क्यों बर्पा की है, तो कहेगा साहब मजलिस इसलिए बर्पा की है ताकि हज़रत ज़हरा राज़ी हो जाए, इमाम हुसैन राज़ी हो जाए, ताकि इनकी रज़ायत से खुदा राज़ी हो जाए। तो दुनिया में हर अमल जो करने वाला, मजहबी अमल करने वाला, हकीकी माना में कस्द कुर्बत के साथ जो अमल करता है उसकी कोशिश ये होती है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। ये तो हो गया आम इंसानों का मामला। हज़रत आदम से पूछिए कि ये आदम जन्नत से निकल के ज़मीन पर चले आए और आने के बाद अब बरसों कह रहे हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए मेरे परवरदिगार हम दोनों ने अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म किया, ए आदम तुमने एक तरके औला किया था, अल्लाह ने उसका तावान दिया तो मैं ज़मीन पे भेज दिया। अब ये बार बार रब्बना ज़लमना अनफुसना कह के पुरानी यादों को क्यों दोबारा दोहरा रहे हो जो ज़ख्म तुम्हारे ताज़े हो रहे हैं? क्या साहब इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि वो जो अल्लाह बज़ाहिर नाराज़ हो चुका है वो मुझसे राज़ी हो जाए? यह रब्बना ज़लमना अनफुसना की तस्बीह इसलिए है ताकि मेरा परवरदगार मुझसे राज़ी हो जाए। हज़रत नूह देख रहे हैं जवान बेटा दरिया में गर्क हो रहा है, अल्लाह से कह रहे हैं बचा ले, वो कहता है कि लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारे अहल से नहीं है। मैंने कहा नूह अल्लाह नहीं बचा रहा है, तुम तो बाप हो ना, बढ़ो, तुम्हारे हाथ बंधे हुए नहीं है, पैरों में कोई बेड़िया नहीं है, जाते और अपने बेटे का हाथ पकड़ते और निकाल के दरिया में बिठा देते, क्या परेशानी थी? नूह ने कहा नहीं, कर तो सकता था, अपने किश्ती से उतरता, बेटे के हाथ को पकड़ता, जबरदस्ती किश्ती में बिठाता, निजात पा जाता, मगर ये अमल मैं अगर अंजाम देता बेटे की जान तो बचती मगर खुदा नाराज हो जाता। काश मुतवज्जे हो आप। यानी हजरत नूह बेटे को डूबते हुए देख रहे हैं ताकि अल्लाह नाराज ना हो, अल्लाह राजी हो जाए। हजरत मूसा की कौम जिसका अभी मैंने जिक्र किया, बनी इसराइल रोजाना कहती थी खुदावंदे आलम को देखेंगे, खुदा को देखेंगे, आवाज परवरदिगार आई कल अपनी कौम के साथ कोहे तूर पर आ जाना, ये मुझे देखना चाहते हैं, कल कौम के साथ आना। सूरह गालिबन ताहा आयत नंबर 84 या 83, हजरत मूसा ने क्या किया, उम्मत को लिया, खुद पहले पहुंच गए, उम्मत नहीं पहुंच सकी। जब उम्मत नहीं आई तो आवाज़ कुदरत आई, मूसा हमने तुम्हें तुम्हारी उम्मत के साथ बुलाया था, अकेले क्यों आ गए? फरमाते हैं मेरे अल्लाह मैंने आने में उजलत इसलिए की ताकि उनसे तो तू नाराज़ है मुझसे राज़ी रह जाए।
काश मुतवज्जो हो आप। मैंने उम्मत को पीछे छोड़ा, खुद आगे आ गया हूँ ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। हजरत सुलेमान, जमीन और आसमान की खुदाई आपके पास है, सबके ऊपर हुकूमत करते हैं, अजिन्ना इंसान फरिश्ते मलक चरिंद परिंद हवा फिजा शजर हजर जितने भी नाम लेना है आप ले जा लिए, सबके ऊपर हजरत सुलेमान की हुकूमत है। मगर एक रोज़ मुसल्ला बिछाते हैं और मुसल्ला बिछाने के बाद कहते हैं मेरे अल्लाह सूरह नमल, मेरे अल्लाह मुझे एक ऐसा अमल बता दे और सिखा दे कि जिसके करने के बाद तू मुझसे राजी हो जाए। हर नबी की कोशिश यह है कि उसका अल्लाह उससे राजी हो जाए, हर इंसान की कोशिश यह है कि अल्लाह राजी हो जाए। अब आइए देखिए अल्लाह की काविश क्या है। मैं लफ्ज़ कोशिश इस्तेमाल नहीं कर सकता अल्लाह के लिए, मगर अल्लाह क्या चाहता है वो इस सूरह में दिखाई देता है। वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आख़िरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युतीका रब्बुका फ़तरदा। जलते हुए दिन की कसम, अंधेरी रात की कसम, ऐ पैगंबर ऐ मोहम्मद, आपके परवरदगार ने आपको कभी तनहा नहीं छोड़ा था, आपके आखिर को आपके अव्वल से बेहतर कर देगा आपका परवरदगार और अनकरीब आपको इतना अता कर देगा कि आप उससे राजी हो जाएंगे। खुदा की कसम इससे ज्यादा शान मुस्तफ़ा के लिए और कौन सा जुमला इस्तेमाल किया जाए। पैगंबर की सुरमई आँखों के कसीदे पढ़ने वाले, पैगंबर की जुल्फों के ऊपर नात और मनकबत लिखने वाले अगर हकीकी माना में कुरान करीम से सीरत मुस्तफ़ा को पेश करते तो उन्हें यही सबसे बड़ा फ़र्क नज़र आता कि सारी कायनात ये चाहती है कि खुदा राज़ी हो जाए, खुदा ये चाहता है कि मुस्तफ़ा राज़ी हो जाए, मुस्तफ़ा राज़ी हो जाए। और क्या चाहिए? यह पैगंबर जिसको अल्लाह राज़ी करना चाहता है। पैगंबर के 5-7 हिजरी के बाद की जो आयात हैं, अब उनमें क्या दिखाई देता है कि वो अल्लाह अपने लहजे को थोड़ा बदल रहा है और कह रहा है पैगंबर अनकरीब आप इस दुनिया से अब जाने वाले हैं, लिहाजा वो दुश्मन जो आपके दीन को मिटाना चाहता है, जो आपके इस्लाम को तबाह बर्बाद करना चाहता है, वो आपके बाद भी घर में खामोशी से नहीं बैठेगा, लिहाजा एक ऐसा इंतजाम करके जाइए, काश मुतवज्जो हो आप, एक ऐसा इंतजाम करके जाइए कि जो शरीयत आप लेकर आए थे उसकी हिफाजत हो सके, एक ऐसा निज़ाम बरकरार करके जाइए कि आपके जाने के बाद यह दीन खत्म ना हो, यह इस्लाम बर्बाद ना हो। और इस तरह की 3-4 आयतें मुसलसल हैं कि जो पैगंबर इस्लाम को आने वाले जमाने की निशानदेही भी करती हैं और जिम्मेदार भी बनाती हैं कि पैगंबर आपको यह अमल करके जाना है। और जब बिल्कुल आखिरी के कलिमात अगर आप मुलाहिदा फरमाएं कि वो पैगंबर कि जिसने यह कहा हो कि 23 बरस में मैंने इतनी जहमतें उठाई जितनी 1,24,000 अंबिया ने मिलकर पूरी जिंदगी में अजियतें बर्दाश्त नहीं की थी। आप जानते हैं पैगंबर से पहले 6,500 बरस तक मुसलसल अंबिया आते रहे, आदम से लेकर हजरत ईसा तक, और हर एक ने बड़ी तकलीफें उठाई हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कितने नबियों को कितनी परेशानियां हुई हैं। मगर पैगंबर फरमाते हैं कि 23 बरस में मैंने जितनी परेशानियां उठाई हैं, इन सारे अंबिया की मुसीबतें एक तरफ, मेरी 23 बरस की जहमत एक तरफ, वो पैगंबर जो 23 बरस में इतनी जहमतें उठा रहा है अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में एक आयत को मुलाहिदा करता है, इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, काश मुतवज्जो हुआ। ये वो पैगंबर है जिसने जानवरों को इंसान बनाया है, जिसने जिनको जिनके अंदर आदाब माशरत नहीं पाए जाते थे, जिनको खाने और पीने की तमीज़ नहीं थी। आप अरब के दौर को उठाएं, पैगंबर से पहले कीचड़ का पानी पीने वाले और छिपकलियों से अपनी भूख को मिटाने वाले ये वो अफराद थे जो अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। शादी का कोई सिस्टम नहीं था, कोई निज़ाम नहीं था, कबीलाई जिंदगी थी, जिसका जोर चलता था जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनको खुदावंद आलम के उस रसूल ने इंसान बनाया, जहमतें बर्दाश्त की, मक्के को छोड़ना पड़ा, शाब अबी तालिब में 3.5 बरस तक दरख्त के पत्तों को चबा चबा कर पैगंबर और उनके घर वालों ने सुबह शाम का खाना तनावुल किया। वो पैगंबर इस्लाम जो मदीने आया तो मुसलसल जंगों पे जंगें हो रही हैं, 80 वो जंगें हैं जिसमें पैगंबर इस्लाम शरीक हैं, न जाने कितनी जंगें हुई हैं, 80 ऐसी जंगें हैं जिसमें पैगंबर ने शिरकत की है। ये पैगंबर इतनी जहमतों के बाद अल्लाह कहता है इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, ये वाला काम अगर आपने नहीं किया तो गोया कोई कार्य रसालत अंजाम नहीं दिया। जब ये आयत पढ़ी जाती है बड़े खुश होते हैं, नारे भी लगाते हैं, मौला कायनात से मोहब्बत है तो दिल भी शाद होता है। मगर फजीलत से अलग हटाकर आप इन अल्फाज के ऊपर अगर गौर फरमाएं कि खुदाबंद आलम इतने सख्त कलामी क्यों कर रहा है, इन अल्फाज का सहारा क्यों ले रहा है कि अगर तुमने ये ना किया तो कुछ ना किया, क्या यह मौला कायनात से मोहब्बत थी जिसकी वजह से अल्लाह
ابتدائی الفاظ استعمال کر رہا ہے تو ہرگز ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ خدا جتنا علی کو چاہتا ہے اتنا محمد مصطفیٰ کو چاہتا ہے، لہذا ایک کے لیے دوسرے کو تنبیہ تو نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ صرف علی سے محبت نہیں ہے، بلکہ چونکہ خداوند عالم علام الغیوب ہے، اسے معلوم ہے کہ اگر یہ ایک کام نہ ہوا تو پیغمبر کی 23 برس کی زندگی بھی ضائع ہوگی اور 1,24,000 انبیاء کی محنتیں بھی رائے گا چلی جائیں گی، لہذا اس کو پہنچنا ضروری ہے۔ اور اب عزیزان گرامی آپ کے مزاج کا جملہ کہہ دوں کہ جب وہ اللہ اس معاملے میں، کاش میں توجہ ہوں، اس معاملے میں اپنے پیغمبر سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ ابن حسن نونہروی علی اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ جب اللہ اپنے حبیب سے کہہ سکتا ہے کہ یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، تو ابن حسن تم سے بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اور آپ سے بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد، خدا سلامت رکھے آپ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یا ایھا الرسول بلغ، ہزاروں مرتبہ آپ آیتیں سنتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ والا عمل انجام نہ دیا تو گویا کچھ انجام نہ دیا۔ اور آگے کا جملہ بتا بھی رہا ہے کہ یہ تاکید کیوں ہے، واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل جب پیش کیا جائے گا تو کچھ شریر افراد اٹھیں گے جو پیغمبر کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، پیغمبر یہ پریشان کریں گے مگر آپ پریشان نہیں ہوں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اچھا جب اس پیغام کو پہنچا دیا، مجھے قدیر نہیں پڑھنی، وہ پیغام پہنچا دیا، اب آیت آتی الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ اکبر، کاش میں توجہ، علماء تشریف فرمائے، مجھے بڑا سہارا ملتا ہے، میری بات زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ آیت اللہ دکتور رفیع، یہ تینوں حضرات ماشاء اللہ باقاعدہ طور پر جانتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر 20-25 برس میں جو بھی ذاکری کرنے آتا ہے اور قم سے اگر وہ مشہد سے تعلق ہے وہ دکتور ناصر رفیع کو نہ پڑھے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی مجلس کامل نہیں ہوتی۔ دکتور رفیع کا جملہ ہے، البتہ قرآن کریم کی ایک ریسرچ ہے جو انہوں نے پیش کی ہے، میں آپ کو چار جملوں میں سنا دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں جب آپ تلاش کرتے ہیں کہ اللہ نے نعمت کے اتمام کے لیے کتنی آیتیں استعمال کی ہیں، کاش متوجہ ہوں، تین آیتیں تین موقعوں کے اوپر آتی ہیں کہ جب خداوند عالم آیت بھیجتا ہے اور پیغمبر سے کہتا ہے کہ یہ تو ہو گیا مگر عنقریب آپ کے اوپر نعمت تمام ہوگی، کاش متوجہ ہو آپ، کاش متوجہ ہو آپ۔ سن 2 ہجری میں وضو کے احکام جاری ہوئے کہ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، جیسے ہی وضو کے احکام جاری ہوئے فوراً اللہ نے کہا کہ حبیب میں نے تم کو وضو کے احکام بتا دیے ہیں مگر ابھی خاتمہ نہیں ہوا، عنقریب آپ کے اوپر میں اپنی نعمتوں کو تمام کر دوں گا، کاش متوجہ ہو آپ، وضو بھی ایک نعمت ہے مگر ابھی نعمت تمام نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا موقع کب ہے؟ کہ جب کعبے کو بدلا جا رہا ہے، جسے تحویل کعبہ کہتے ہیں، کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف سجدہ کیا کرتے تھے، یہودی اور عیسائی اعتراض کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے کہ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے، تمہارے پاس تو اللہ کا ایک اپنا گھر بھی نہیں ہے، ہمارے خانہ خدا کی طرف تم سجدہ کرتے ہو، پیغمبر اسلام برداشت کرتے تھے، اور یہ برداشت نہیں ہے، قانون الہی ہے، جب اللہ چاہے گا قانون آئے گا اور قبلہ بدل جائے گا۔ جیسے ہی کعبے کو بدلا گیا، بیت المقدس کی طرف سے چہرے کو ہٹا کر قبلے کی طرف موڑا گیا، فوراً قرآن کریم کی آیت آئی کہ میں نے آپ کے لیے قبلے کو تبدیل کر دیا ہے اور عنقریب آپ کے اوپر نعمت تمام ہو جائے گی، کاش متوجہ ہوا، اور آپ کے اوپر نعمت تمام ہو جائے گی۔ یہ دوسرا موقع ہے۔ تیسرا موقع، یہ تین بڑے انسیڈنٹ ہیں اسلامی تاریخ کے، ان کو ہٹا دیجئے تو اسلام کھوکھلا نظر آتا ہے۔ تیسرا موقع ہے فتح مکہ کا، سن 8 ہجری، پیغمبر کے جانے سے تقریباً 2.5 برس پہلے فتح مکہ ہوتی ہے، اور اس فتح مکہ میں جب پیغمبر مکے میں داخل ہوتے ہیں تو مبارکباد دی جاتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو ایک فتح مبین حاصل ہوئی، مگر پیغمبر کعبہ تو فتح کر لیا، مکہ تو فتح کر لیا، عنقریب آپ کے اوپر نعمت تمام ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وضو کے احکام آئے، نعمت تمام نہیں ہوئی، تمام ہوگی۔ کعبہ بدلا گیا، نعمت تمام نہیں ہوئی، تمام ہوگی۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر، کہ یہ وہ موقع تھا کہ جس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح، جھوک در جھوک لوگ آ رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسلام کا زور و شور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس موقع پر بھی اللہ کہتا ہے کہ عنقریب آپ کے اوپر نعمت تمام ہوگی، مگر جیسے ہی کہا اِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، اور جیسے ہی پیغمبر نے وہ کیا تو پھر اللہ نے بھی وہ کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، پھر اللہ نے بھی وہ کیا۔ الیوم
अकमल तो लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारे लिए आज इस दिन को कामिल कर दिया। अतमंतु अलैकुम नेमती, अभी तक आ रहा था ले ओते मा, ले योते मा, अन करीब आपके ऊपर तमाम कर देगा वो परवरदिगार, अन करीब मैं ओते मा मैं तमाम कर दूंगा। यहां कह रहा है कि वो जितने वादे थे वो सब पूरे कर दिए, मैंने नेमतों को तमाम कर दिया, नेमतों को तमाम कर दिया, नेमतों को तमाम कर दिया। जब मैंने इस आयत को पढ़ा कि नेमतें तमाम हो गई, तो फिर कुरान की तफसीरों को खंगालना शुरू किया कि भाई देखें मुसलमान क्या समझते हैं कि नेमतें कहां तमाम हुई, दीन कहां कामिल हुआ। इसलिए कि जो हमारा अकीदा है विलायत अमीरुल मोमिनीन का, इमामत मौलाए कायनात का, अगर सारे मुसलमान ये मान ले तो फिर ना कोई झगड़ा है, ना कोई इख्तलाफ है, ना फिर कोई यजीद है, ना कोई मरवान है, ना कोई अबू सुफयान है, सब अली वाले होंगे, सब वली वाले होंगे। कुरान की आयत तो सब मानते हैं। अब जो मैंने तलाश करना शुरू किया कि ये दीन कामिल कब हो रहा है, नेमतें तमाम कब हो रही हैं, तो बुग्ज़ मौलाए कायनात में मुफस्सरीन लिखते हुए दिखाई दिए कि साहब जब गोश्त के अहकाम जारी हो गए तब दीन कामिल हुआ, जब गोश्त के अहकाम कामिल हो गए, जब ज़िब के अहकाम आ गए तो दीन कामिल हो गया। यानी फतह मक्का से ज्यादा अहम था मुसलमान की प्लेट की बिरयानी का टुकड़ा, वुजू के अहकाम से ज्यादा अहम था निगाह कुदरत में गोश्त के अहकाम का जारी होना। फतह मक्का, तहवील काबा, वुजू से ज्यादा। और अच्छा, जब ये लिखा जाएगा तो फिर हालत यही होगी कि एक साहब माह रमज़ान में तबलीग के लिए निकले, आमतौर पर हम लोग सब जाते हैं, माह रमज़ान होता है कहीं ना कहीं जाने का मौका होता है। एक बस्ती में एक मुबल्लिग पहुंचता है, मालूम यह हुआ कि साहब इन लोगों ने कभी ना नमाज पढ़ी, ना रोज़ा, ना हज व ज़कात, तो खुम्स व जिहाद कुछ नहीं आता, आपको नए सिरे से काम करना है, इनको नया मुसलमान बनाना है, इनको बताना है नमाज क्या है। माह रमज़ान से एक रोज़ पहले बस्ती में पहुँचे और पहुँचने के बाद सबको आवाज़ दी गई लाउड स्पीकर से कि सारे मुसलमान मस्जिद में जमा हो जाएं, कुछ बताया जाएगा। मस्जिद भी टूटी फूटी थी, पुरानी सी, खैर सारे अफराद जमा हुए तो कोई मेहमान आया है कुछ बात करना चाहते। आलिम ने देखा कि माशाल्लाह चेहरे तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत सा मजमा भी मुसलमानों का मौजूद है। कहा मैं तुम लोगों को माह रमज़ान में नमाज़ पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि साहब नमाज क्या होता है, ये किसे कहते हैं। कहा तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो। कहा ये जो साहब आपने अरबी का एक लफ्ज इस्तेमाल किया नमाज, ये क्या होता है। कहा नहीं अरबी नहीं है, ये फारसी है। अच्छा ये भी एक अजीब मसला है, खुदा हाफिज को तो अल्लाह हाफिज से बदल दिया, नमाज को सलात से आज तक ना तब्दील कर सके। जैसे खुदा फारसी है वैसे नमाज भी फारसी है, ये रोज़ा भी फारसी है, वगरना सलात तो सौम है। कहा साहब नमाज सिखाने आया हूँ, ये क्या है। कहा नहीं ये तो कुछ नहीं आता। अब इन्होंने साहब जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के दिखाई, इसको नमाज कहते हैं। कहा इस नमाज से पहले वुजू होता है। उन्होंने फिर एक दूसरे का चेहरा देखा, वुजू क्या होता है। इन्होंने वुजू करके दिखाया। कहा अच्छा और क्या करवाएंगे। कहा भाई मैं रोज़ा रखवाने के लिए आया हूँ। कहा ये किसे कहते हैं। इन्होंने बताया साहब सुबह से भूखे रहना होगा, शाम तक आप भूखे रहेंगे और शाम में दस्तरखान सजाया जाएगा और फिर आपकी दावत होगी। कहा ये तो अच्छी बात है, खैर और क्या करना होगा। एक एक चीज़ पूछते जाते हैं, तुम्हें ये आता है नहीं आता, ये आता नहीं आता, ला इलाहा इल्लल्लाह जानते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह जानते हो, क़िबला जानते हो, नबी जानते हो, इस्लाम जानते हो, सब कोरे कागज़। जैसे नमाज ना मालूम हो उसे क्या मालूम होगा। झल्ला के पूछ के कहता है ये बताओ गोश्त भी खाते हो या नहीं। सारे अफराद जो अभी तक खामोशी से बैठे थे अपनी जगह से खड़े, मौलाना दिमाग ठिकाने, हम मुसलमान हैं। जब दीन गोश्त पर कामिल होगा तो इस्लाम गोश्त खाने में ढूंढा जाएगा, और जब गोश्त की दुकानें बंद होगी तो इस्लाम पे खतरा आ जाएगा। सलावात भेजे पर मोहम्मद व आलम। ज्यादा अजीज आने गिरामी, अगर हकीकी माना में इतमा में नेमत को तलाश कर लिया जाता, इकमाल दीन को तलाश कर लिया जाता तो कोई झगड़ा नहीं होता। अब अजीजों मैं आपके सामने पेश कर दूं, इस पैगंबर से कहा जा रहा है तुमने अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। क्यों अल्लाह ये ताकीद चाहता है, काश मुतवज्जो मैं खत्म कर रहा हूं मजलिस को, क्यों अल्लाह ये ताकीद चाहता है। इसलिए कि अगर पैगंबर ऐसा इंतजाम नहीं करेंगे तो अल्लाह का वादा झूठा हो जाएगा, अल्लाह का वादा झूठा हो जाएगा। वो अल्लाह जो अज़दकुल क़ायलीन अज़दकुल सादिकीन है, उसका वादा झूठा होगा। कैसा वादा। वो वादा जो उसने शब कद्र के लिए किया है। काश मुतवज्जो होगा। आप सूरह कद्र पढ़ते हैं, इन्ना अनज़लना, आप पहली रकत में कभी सूरह इन्ना आता है ना की तलावत करते हैं, कभी सूरह कद्र की तलावत करते हैं, क्या कहते हैं आप। इन्ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अनज़लना हो फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये शब कद्र में मैंने इसको नाजिल किया, तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है, वो 1000 महीनों से बेहतर। क्यों है बेहतर भाई। शरात में ऐसा क्या होता है, चार चांद निकल आते हैं, 1000 सितारे ज्यादा चमकने लगते हैं, ये 1000 महीनों से बेहतर क्यों है। आवाज आई तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर रूह,
काश मुतवज्जो हो आप। तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर रूह, ये रात इसलिए बाबरकत हो गई क्योंकि इस रात में मलाइका नाजिल होते हैं और रूहुल अमीन नाजिल होते हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी थोड़ा सा आपका इम्तिहान और थोड़ी सी ग्रामर और मजलिस तमाम। दुनिया की तमाम जबानों में एक कायदा पाया जाता है कि जब बात वहाँ ज़माने की आती है, जब बात वहाँ टेंस की आती है, तो तीन तरह के ज़माने होते हैं। एक ज़माना माजी का है जिसे पास्ट कहते हैं, एक ज़माना प्रेजेंट है जो हाल का ज़माना है, और एक ज़माना है आने वाला जिसे फ्यूचर कहा जाता है, भविष्य कहा जाता है कि आपका हाथ देख के लोग आपका फ्यूचर भी बता दिया करते हैं। ऐसे अफराद भी माशाल्लाह पैदा हो जाते हैं। तो ये तीन ही ज़माने होते हैं और हर ज़बान के अंदर हर ज़माने को दिखाने के लिए एक ख़ास लफ्ज़ होता है, मगर अरबी को एक खसूसियत हासिल है कि यहाँ जब बात अल्फाज की ज़माने के एतबार से होती है तो माजी, हाल, मुस्तकबिल यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अलावा एक सेगा और इस्तेमाल होता है जिसे फ़ेल मुजारे कहते हैं। माशाल्लाह मेरे असातिज़ यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं। फ़ेल मुजारा में एक सलाहियत होती है जो किसी और ज़बान में नहीं है कि यहाँ लफ्ज़ एक होता है मगर इसमें ज़माने हाल भी पाया जाता है, काश मुतवज्जो हूँ आप, और ज़माने इस्तकबाल भी पाया जाता है, यानी लफ्ज़ एक है, मौजूदा ज़माना भी होगा, आने वाला भी ज़माना होगा। अल्लाह ने जब शबे कद्र के मुतालिक बताना शुरू किया कि शबे कद्र क्या है, तो ये नहीं कहा कि ये वो रात है कि जिसमें मलाइका नाजिल हुए थे और रूहुल अमीन नाजिल हुए थे। माजी का सेगा इस्तेमाल नहीं किया कि पहले कभी नाजिल हुए थे लिहाजा ये बाबरकत हो गई, ना ज़माने हाल इस्तेमाल किया कि जब ये आयत उतर रही है इस साल शबे कद्र में मलाइका नाजिल होंगे और जबरील नाजिल होंगे, नहीं, हाल का ज़माना भी नहीं है। ना इस्तकबाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि आने वाले ज़माने में शबे कद्र आएगी और उस रात मलाइका नाजिल होंगे और जबरील अमीन नाजिल होंगे, ये तीनों अल्फाज नहीं मिलते। मिलता है तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर रूह, तर्जुमा होगा दुनिया के किसी भी ज़बान का तर्जुमा उठा के देख लीजिए कि ये वो रात है जिसमें मलाइका नाजिल होते हैं और कयामत तक नाजिल होते रहेंगे, ये वो रात है जिसमें रूहुल अमीन जिब्रील नाजिल होते हैं और होते रहेंगे। चूंकि तनज़्ज़ुलों में दो ज़माने पाए जाते थे, अभी भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, लिहाजा ये शबे कद्र 1000 महीनों से इसलिए बेहतर है क्योंकि शबे कद्र में मलाइका भी नाजिल होते हैं, अल्लाहु अकबर, और रूहुल अमीन भी नाजिल होते हैं, कयामत तक नाजिल होते रहेंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि हर नाजिल होने वाले को एक मुंजल चाहिए जिसके ऊपर ये नाजिल हो, जो भी नाजिल हो रहा है, जो भी उतर रहा है वो किसके पास उतरेगा। भाई पैगंबर के ज़माने में नाजिल होते थे, पैगंबर के पास आते थे, बात समझ में आ गई। अब पैगंबर के बाद अगर कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं होगा कि जो पैगंबर को पहुंचाना है, तो मलाइका कहाँ आएंगे, रूहुल अमीन कहाँ आएंगे? पैगंबर के बाद अपनी अपनी मर्जी से डेमोक्रेसी के साथ, वसीयत के साथ, शूरा के साथ निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम करने के लिए पैगंबर की जायगाह पर उनको बिठाया जिनका माजी सिया था, जिन्होंने बुतों की पूजा की थी, जिन्होंने शराबखोरी की थी। जब वो मुसनद मुस्तफ़ा पर आए, जब वो मसनद अंबिया पर बैठे, तो सवाल ये पैदा होता है 12 हिजरी में मलाइका उनके पास आए या नहीं आए। 11 हिजरी में पैगंबर जा चुके हैं, 13 हिजरी में जबरील अमीन उन पर नाजिल हुए या नहीं नाजिल हुए। वो दौर तमाम हुआ, खिलाफत बनी उमैया आई, आज तक किसी भी झूठे से झूठे मुअर्रिख ने यह लिखा कि साहब यजीद साहब के ऊपर जबरील नाजिल होते थे, अश्वतवज्जो हुआ। किसी ने कहा कि साहब, अच्छा कोई कहता है कि साहब यजीद के बाप को बुरा ना कहा जाए, उनके लिए किसी एक खतीब का बड़ा प्यारा जुमला है कि उनके लिए मैं इतना ही कह देना काफ़ी है कि वो यजीद के भी बाप थे, सलावात भेजें पर मोहम्मद वाले, तब उनके लिए क्या कहा। मगर क्या उन्होंने कभी दावा किया कि मेरे पास जबरील आए थे? बाद में बनी अब्बास की खिलाफत आई, किसी ने दावा किया कि साहब मेरे ऊपर मलाइका शबे कद्र में आए थे? बाद में अंधे, लूले, लगड़े, काने, कुबड़े सब अमीरुल मोमिनीन बन के पहाड़ों पे कूद रहे थे। आपने अभी चंद बरस पहले देखा अमीरुल मोमिनीन का लकब है और फरार कर रहे हैं, फिर दो तीन नए अमीरुल मोमिनीन बने और एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। तो ये जो जितने अमीरुल मोमिनीन नजर आते हैं दुनिया में, आज तक किसी ने दावा किया कि साहब शबे कद्र इस बरस जिब्रील आए थे लाल कपड़े पहनकर, अश्वतवज्जो हुआ, इस बरस मलाइका मेरे पास आए थे, किसी ने दावा किया? अज़ीज़ाने गिरामी, अगर कोई दावा नहीं कर रहा है तो दो ही सूरतें हैं कि ये जो बैठे थे, अल्लाहु अकबर, ये हकीकी माना में मुंजले इलाही नहीं थे, ये हकीकी माना में करारगाह मलाइका नहीं थे, या तो एक बात है,
और या फिर ये कहा जाएगा कि साहब अल्लाह ने यूं ही आयत उतार दी थी कि आएंगे मलाइका, ना कोई मलक आता है ना जिब्रील अमीन आते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि ना कोई मलक आता है ना कोई रूहुल अमीन आते हैं, तो फिर कुरान की सदाकत के ऊपर हर्फ आ जाएगा कि वो जो आते हैं कयामत तक आते रहेंगे, क्या हुआ। तो अब अज़ीज़ान गिरामी, या तो ये मानो कि कुरान ने गलत बयान ही की, या फिर ये मानो कि मलाइका नाजिल तो होते हैं मगर अपने आप से ताज रखने वालों पर नहीं, पैगंबर के हाथों पे उठने वाले के ऊपर नाजिल। और अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मलाइका नाजिल होते हैं, बल्कि कहा तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, मलाइका नाजिल होते हैं और रूह नाजिल होती है। अब देखा जाए कि रूह क्या है। पैगंबर से पूछा गया कि नबी खुदा रूह किसे कहते हैं, यस अलूनका अन रूह, ये आपसे रूह के मुतालिक सवाल करते हैं। इनसे कहा ये कौले रूह मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे परवरदिगार के उमूर में से एक रब है, तो एक अम्र है, यानी रूह को अम्र कहा जाता है, अम्र को रूह कहा जाता है। अब तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह का तर्जुमा करिए, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, ये वो शब है जिसमें मलाइका नाजिल होते हैं, नाजिल होते रहेंगे। ये वो शब है जिसमें अम्र नाजिल होता है, नाजिल होता रहेगा। बस अब जिस पे अम्र नाजिल होगा वही उलिल अम्र कहलाएगा, अतीउल्लाह वादे और रसूल वाले अम्र में इनको सलाम। खुदा सलामत रखे। खुदा सलामत रखे। اللهم صل على محمد وآل محمد। تنزل الملائكة والروح, और ये अल्लाह के इज़्ज़त से आते हैं, अपनी मर्जी से नहीं आते। अल्लाह कहता है कि जाओ तुम्हें नाजिल होना है। कब तक नाजिल होते हैं? या हत्ता मतला इल फजर, जब तक फजर तुलू ना हो जाए। बस वो मौका है फजर कि जब मलाइका से मुलाकात होती है उलिल अम्र की, ये फजर इतनी बाबरकत हो जाती है कि कसम खाई जाती है वल फजर वलयाले नाशर, यही वो सुबह है कि जहां मलाइका आते हैं, यही वो रातें हैं जिनमें ईमान वालों का इम्तिहान होता है। और अब तावील में जब पूछा गया कि ये कौन सी 10 रातें हैं, तो जवाब मिला कि ये वही रातें हैं जो इस सूरे के साहिब हुसैन ने कर्बला के मैदान में गुजारी हैं। वल फजर वलयाले नाशर, फजर की कसम और उन 10 पाकीजा रातों की कसम। तफसीर में ये वही रातें हैं माहेज़ी हज्जा की, मगर तावील में उलमा ने बताया कि ये वो पाकीज़ा रातें हैं जिनमें फ़ज्र को बचाया गया है, ये वो पाकीज़ा रातें हैं जिनमें पैगंबर की मेहनतों को ज़ाया होने से हुसैन ने बचा लिया है, ये वो 10 रातें हैं जिसमें हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान किया इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये वो 10 रातें हैं जिसमें हुसैन ने प्यास को बर्दाश्त किया, ये वो 10 रातें हैं जिसमें हुसैन के बच्चों ने भूख को गवारा किया ताकि अल्लाह का पैगाम भी बाकी रह जाए, अल्लाह का दीन भी बाकी रह जाए, अल्लाह का इस्लाम भी बाकी रह जाए। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सवाए गम अहले बैत के। मैं पढ़ता चला गया, मैंने घड़ी नहीं देखी, वक्त काफ़ी हो गया, मैं तमाम कर रहा हूँ मजलिस को। अजीज़ो, माह मुहर्रम तमाम हो चुका है, माह सफ़र तेज़ी के साथ हमसे जुदा हो रहा है। आप जानते हैं ये कितनी बड़ी नेमत है जो हमसे दूर जा रही है। फ़र्श अज़ा की अहमियत हकीकी माना में जो है अभी तक हमने उसको दर्क नहीं किया। आयतुल्लाह हायरी इस्फहानी फरमाते हैं कि खुदावंद आलम ने जो मकाम और जो मर्तबा इमाम हुसैन की कब्र की मिट्टी को करार दिया है, उसके लिए जो मकाम करार दिया है, यानी इमाम के हरम में गुंबद के नीचे पड़ने वाली ज़मीन का जो एहतराम खुदावंद आलम की निगाह में होता है, उतनी देर के लिए हर उस जगह का निगाह है कुदरत में वही एहतराम होता है जो करबला का हो जहां हुसैन का जिक्र किया जाए। फरमाते हैं फर्श अज़ा को खुदावंद आलम उतनी देर के लिए करबला की मानिंद करार देता है, इसलिए कि जैसे हुसैन करबला के मैदान में आवाज़ दे रहे थे हल मिन नासिरिन यंसुरनी, हल मिन नासिरिन यंसुरनी, कौन है जो मेरी नुसरत करेगा, कौन है जो मेरी नुसरत करेगा। और चंद ऐसे थे कि जिनकी रूहें उनके जिस्म से जुदा हो गई थी, वो आवाज़ दे रहे थे कि अगर जानों ने वफा की होती तो दोबारा आपके ऊपर कुर्बान हो जाते। चूँकि हुसैन की आवाज़ फिज़ा में गूंज रही है हल मिन नासिरिन यंसुरनी, क़यामत तक खुदावंद आलम ने यह इंतज़ाम किया कि जो जहाँ भी रहता है फर्श
जनाजा बिछाए और हुसैन की आवाज़ पे लब्बैक कहे और कहे लब्बैक या दाई अल्लाह, लब्बैक या दाई अल्लाह। ए मौला, हम करबला में ना थे, अगर होते तो आपके काम आते। आज इतने ज़माने के बाद करबला से इतनी दूरी पर हम आपकी याद मना रहे हैं, आपके इनकलाब को ज़िंदा रखे हुए हैं, लब्बैक कहते हैं, हम नारे लगाते हैं। मगर हाँ, ये भी होना चाहिए कि जब असरे आशूरा हुसैन ने मदद के लिए बुलाया तो मदद करने वाला कौन है? अब्बास। मदद करने वाला कौन है? अकबर। मदद करने वाला कौन है? मुस्लिम इब्न औसजा। मदद करने वाला कौन है? हबीब। तो अब जब हम ये चाहें कि हम हुसैन की मदद करें तो अपने किरदार को अकबर जैसा बनाएं, अपनी सीरत को अब्बास जैसा बनाएं, अपनी ज़िंदगी को हबीब इब्न मदाहिर और मुस्लिम इब्न औसजा की ज़िंदगी से मुआजना करें कि क्या हम उस मकाम पर पहुँच गए कि जहाँ से वो लब्बैक कह रहे थे। और फिर हम लब्बैक कहेंगे, हमारी लब्बैक कबूल होगी। मगर कोई ये सोचे कि हम हबीब नहीं बन सकते, हम मुस्लिम इब्ने औसजा नहीं बन सकते, तो उनके लिए ज़ुहैर क़ैन मौजूद है, उनके लिए हुर्र दिलावर मौजूद है कि जिसने पूरी ज़िंदगी ख़ताओं में वक्त गुजारा हो, मगर जब शऊर पैदा हुआ, जब बसीरत पैदा हुई, हुसैन की बारगाह में आके कहता है, मौला अगर मेरी ख़ता मुआफ़ी के लायक हो तो मुझे मुआफ़ फरमाए। हुसैन ने सीने से लगाया, ए हुर, मैंने माफ़ किया, मेरे खुदा और रसूल ने माफ़ किया। मौला अगर माफ़ कर दिया है तो मरने की इजाज़त दीजिए। हुर को इजाज़त मिली। एक के बाद एक अंसार है जो ज़मीन करबला पे जान का हदिया पेश कर रहा है। असर आशूरा हुसैन मज़लूम करबला रुख्सत आखिर के लिए आबिद बीमार के पास आए हैं। गश से इफाका हुआ, बाबा को देखा खून में नहाए हुए हुसैन। आबिद बीमार तड़प गए, बाबा अरे खून में कैसे नहा गए? मैदान कारदार में जुल्म हुआ। अच्छा, मेरा अब्बास न था जो मदद करता? नहीं, वो कत्ल हुआ। मेरा अकबर कहाँ है? मारा गया। मेरा मुस्लिम इब्न औसजा कहाँ है जो मदद के लिए आया था? वो भी कत्ल हुआ। एक एक का नाम लेके मौला पूछते हैं, उसके बाद जवाब दिया जा रहा है। वह हुसैन कहते हैं, बेटा इतना समझ लो कि मर्दों में या तुम बाकी रहे हो या मैं बाकी रहा हूँ। हत्ता शशमाहा भी कत्ल हो गया। मैं शशमाहे का नाम सुना, आबिद बीमार की गैरत जाग उठी। ए मेरे बाबा, क्या फौज अशकिया खेमों में दाखिल हो गई जो शशमाहे को भी कत्ल कर दिया? नहीं मेरे लाल, तलब आपके लिए मैदान कारदार में लेकर गया, तीर से शोभा का निशाना बना शशमाहा, दुनिया से चला गया। अब लीजिए अजीदान गिरामी, बाप बेटे से जुदा हो रहा है। वसीयतें करना शुरू की, जब पलट के मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और कहना मुझे तुम उस वक्त बहुत याद आए जब शशमाहे को अपने हाथों पे उठा के तलब आप कर रहा था, जालिम तीर से शोभा से जवाब दे रहा था। जब कभी पानी पीना तो मेरी प्यास को याद रखना, किसी मुसाफिर के मरने की खबर सुनना तो हुसैन की मजलूमियत में गिरिया करना। लीजिए आबिद बीमार से रुख्सत हुए, ज़ैनब औलिया मकाम के नज़दीक आए। ए बहना, भाई को इजाज़त दो, फातिमा जहरा मुंतजर है, अली मेरा इंतजार कर रहे हैं। ज़ैनब से इजाज़त मिली, उम्मे कुलसूम से रुख्सत हुए, ज़ुलजना पर सवार हुए। ए मेरे हज़्बे बावफा, मुझे मैदान कारदार में पहुँचा दे। इमाम के जुमले पर ज़ुलजना ने कोई जवाब न दिया। हुसैन मजलूम तड़प के कहते हैं, मुझे मालूम है तू भी भूखा और प्यासा है, मगर ये आखिरी जहमत है, मुझे मारज़े शहादत तक पहुँचा दे, फिर उसके बाद तू आज़ाद है। भाई इतना सुनना था, ज़ुलजना ने अपने सुमो को देखना शुरू किया। अब जो हुसैन ने घोड़े के सुमो को देखा, चार बरस की सुकैना, चार बरस की रुकैया, चार बरस की सकीना, सुमो से लिपट के कहती, मेरे बाबा के हज़्बे बाबा, अरे सुबह से जो भी गया वापस ना आया, मेरे बाबा को ना ले जा, इसलिए कि सीने पर सोया करती हूँ। हुसैन फरस की पुश्त से जमीन पर आए, सकीना को गले से लगाया, मेरी बच्ची, मेरी माँ मुंतजर है, इजाजत दे दे। बाबा इजाजत तो दे दूं, मगर आपके बाद कैसे नींद आएगी? ए मेरी बच्ची, आज से तरीका बदल गया। अरे अब तक असगर माँ के पास होता था तो मेरे सीने पर आराम करती थी, अब से तुम अम्मा रबाब के साथ रहोगी, असगर मेरे सीने पर सोएगा। मैं कहूंगा, मौला अरे अब सकीना को सोना कहाँ नसीब होगा? करबला से कूफा, कूफे से
से शाम का हंगाम होगा। अरे मुंह पर तमाचे लगाए जाएंगे, गोशवारे छीने जाएंगे, बेमकनों चादर गली ब गली कूचा ब कूचा दयारे शाम में घुमाया जाएगा। लीजिए पहली सफर को काफिला मुकैद हो गया जिंदा ने शाम में। एक बरस के बाद वो मौका आया, हमने तुम्हें आजाद किया, चाहे मदीने चले जाओ चाहे शाम में सुकूनत अख्तियार करो, मेरी पुपी की हाजत जानूंगा। ए मेरे लाल, मैंने अपने शोहदा पे आंसू नहीं बहाया है, एक घर खाली कराया जाए। अरे जालिम के घर में मजलूम के सफे अदा, तबर्रुकात आना शुरू हुए, अब्बास का कटा साथ, नजरे झुकी हुई है, वापासा की सदाएं, अकबर का सराया, वाकबरा की सदाएं, उम्मे लैला की आगोश, असगर का सराया, रबाब ने बढ़ के आगे लिया, अरे हुसैन का सराया, वाह हुसैना, वाह मजलूमा। अचानक दो छोटे छोटे सा जिंदा ने शाम से आए, कोई बीबी न बढ़ी, शाम की औरतें तड़प के कहती है ए मदीने वालियों, अरे क्या इन बच्चों की माँ मर गई, जिनको लेने वाला कोई नहीं, ज़ैनब जगह से बुलंद हुई। अरे बीबी ऐसा न कहो, ये मेरे लालो न मोहम्मद, मैं इनकी माँ ज़ैनब, मगर मैं अब्बास पे मातम करूँ, अकबर पे गिरिया करूँ, और न मोहम्मद पे आंसू बहाऊँ। ए अम्मा फातिमा, अपने लाल बिना रोऊंगी, तुम्हारे लाल का मातम होगा। ए बीबियों बुरसा दो, मैं हुसैन की मजलूमा, मैं हुसैन की हमशीरा, वाह मोहम्मद, वाह अलिया, वाह हुसैना, वाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीम लिअम्रे सयालम अल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़ल्बियन क़ल्बू।